कल का याद है बच्चों, कल का पढ़ा अपने को पक्का? चलो बेटा, कल हम बेसिक में पढ़ा था, और क्या पढ़ा हम लोगों ने? फोर फीचर। कुछ याद आ रहा है क्या? चलो बता बच्चों, अगर शेयर का पैसा मुझे बोलते इंस्टॉलमेंट, कितने होंगे इंस्टॉलमेंट? चार। कौन से होंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। बोला एप्लीकेशन में दो पड़ाव कौन से? पहले क्या होता है? रिसीव। फिर क्या होता है? ट्रांसफर। रिसीव एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर बाद में क्या होगा? ट्रांसफर। कहां पे? शेयर कैपिटल। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट पहले क्या होता है? ड्यू। फिर क्या होता है? रिसीव। ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पहले क्या होगा? ड्यू। फिर क्या होगा? ड्यू की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल पहले क्या होगा? ड्यू। एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रिसीव की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कुछ बारे में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? फोर फीचर। अगर शेयर बेटा फोरफिट, क्या बेसिक एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर टू शेयर फोर फीचर। शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा? आइदर बाय फेस वैल्यू और कॉल्ड अप। लास्ट में फोरफिट क्या होता है? फेस वैल्यू। बीच में क्या होता है? कॉल्ड अप। एरे में जो पैसा नहीं मिला, फोरफिट पैसा मिला। पर फिर मुझे उसके बाद शेयर डिस्काउंट के बाद फोरफिट किया तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोर फीचर टू डिस्काउंट ऑन इश्यू। प्रीमियम में कितने केस? दो। प्रीमियम मिला तो कैंसल? नहीं मिला कैंसल। याद आ रहा बेटा? बच्चों नेक्स्ट क्या पढ़ा हम लोगों ने? रीइश्यू। रीइश्यू का मतलब क्या होता है? जो शेयर बेटा आपने क्या किए? फोरफिट किए, उनको वापिस इश्यू करना। बच्चों क्या होता है? रीइश्यू। ओके बेटा, ओके। अब बच्चों रीइश्यू में केसेस क्या क्या होते हैं? ओके बेटा, सुनो बच्चों, अब बेटा हमको पढ़ना है केसेस फॉर रीइश्यू। सबको रीइश्यू आता है? रीइश्यू आता है ऐसे बोल के पढ़ाओ या नहीं आता बोल के? किसे बिल्कुल नहीं आता रीइश्यू? थोड़ा थोड़ा आता है, बस याद नहीं, लेकिन पढ़ा तो अपन ने बेटा। चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो एग्जाम्पल लेते प्रॉपर अच्छे से। क्वेश्चन वन देखो बच्चे, यहां पे क्या होता है? दस का शेयर इश्यू किया, दस में इश्यूड किया पार, दस में से अपने को सात रुपए मिले, तीन रुपए नहीं मिले, कितने मिले? सात। कितने नहीं मिले? तीन। शेयर फोरफिट किया बेटा। सबसे पहले बच्चों घटना घटी फोरफीचर। ओके, शेयर फोरफिट, शेयर क्या कहना बेटा? कैंसल। फोरफीचर के बाद शेयर अब किसके पास है? शेयर होल्डर के पास है, कंपनी पास है। शेयर होल्डर दस में से तीन रुपए नहीं दे, गुस्से में आके कंपनी शेयर छीन लिया। तो शेयर किसे बच्चो? कंपनी पास। चाहेगे तो कंपनी वो शेयर वापिस इश्यू कर सकते, उसे बेटा क्या बोलते? रीइश्यू। क्या बोले बच्चो? रीइश्यू। अज्यूम करो दस का शेयर अगेन रीइश्यू किया, दस में रीइश्यू एड किया पार। देखो बच्चों यहां पे क्या क्या होता है बता बच्चों। सबसे पहले क्या किया? फोरफीचर। दस का शेयर कितने में दिया था? दस में। कितने मिले? कितने नहीं मिले? तीन। शेयर फोरफीट किया बेटा। बोले एंट्री क्या फोरफीचर की? आराम से, आराम से, एक मिनट बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, हाँ, टू कॉल सीन, हाँ, टू शेयर फोरफीचर। शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा बेटा? कितना बच्चों? दस। एरे में जो पैसा नहीं मिला और यहां पे जो पैसा मिला, या सोनो बेटा शेयर फोरफिट किया, जीतता क्या बेटा? अब बताइए रीइश्यू करना है, राइट बच्चों? जो थे शेयर फोरफिट जब किया था, एरे में कौन सा पैसा जो मिला है? नहीं मिला। और फोरफिट जो पैसा मिला। अब बताइए क्या कंपनी शेयर फोरफिट किया, शेयर कैंसिल किया? शेयर किसके पास है? आप बताइए कंपनी को पैसा कुछ भी नहीं मिला था, कुछ तो मिला था, कितना मतलब बच्चों? सात। जब कंपनी बेटा शेयर बेटा कैंसिल किया तो क्या कंपनी सात रुपए रिफंड किए क्या? कंपनी शेयर तो छीन लिया बेटा, पर उसके पैसे रिफंड नहीं किए। अब शेयर किसके पास है और पैसा भी किसके पास है? तो कहने से कंपनी को सात का प्रॉफिट हो गया बेटा? ना, शेयर बेटा कंपनी के पास है, पैसा भी
कंपनी के पास है, बट कंपनी 7 रुपए का प्रॉफिट बोल नहीं सकते। 7 को प्रॉफिट बोलने के लिए पहले शेयर क्या करेंगे? रीशू। शेयर क्या करेंगे? रीशू। जब शेयर बच्चों क्या होगा? रीश होगा, तब उसका प्रॉफिट हम रियलाइज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, शेयर प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीशू। अब बताओ रीशू करेंगे बेटा कितने का शेयर, कितने में रीशू? इट सेम एज इशू। कौन बताएगा एंट्री क्या होगी? 10 का शेयर दिया 10 में, इश्यू एड क्या है? पार। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट बच्चों डेबिट टू क्या होगा? शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा बेटा? 10 रुपए। यस और नो? सब दिमाग चला बेटा। रीशू क्या? जैसे शेयर बच्चों क्या किया? रीशू क्या? जैसे बेटा शेयर बेटा क्या किया? रीशू क्या? आपका प्रॉफिट क्या होगा? रियलाइज। अब अच्छा अगली बेटा घटना होगी प्रॉफिट रियलाइज की। बेटा कितना प्रॉफिट रिलाइज हो गया? अब बताओ क्या कंपनी का शेयर रीश हो गया? शेयर बिका, शेयर के 10 तो मिले। क्या बिका बेटा? शेयर। क्या मिले? पैसे। कितने बेटा? 10। क्या उसके अलावा कुछ फ्री का पैसा मिला था क्या? कितना बेटा? 7। वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। मेरा पहला सवाल है 7 रुपए प्रॉफिट है, रिवेन्यू प्रॉफिट या कैपिटल? ये प्रॉफिट आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिला, लॉन्ग टर्म? और आप सबको पता बेटा कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कहां पे आता है? पीएनएल है, बैलेंस शीट। पीएनएल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आएगा विद द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व, द नेम ऑफ कैपिटल रिजर्व। कितने का प्रॉफिट हुआ है? ये 7 का प्रॉफिट पहले कौन से अकाउंट में? शेयर फोर फ्यूचर। शेयर फोर फ्यूचर पहले क्या है? क्रेडिट। अब क्या होगा? पहले क्या है? क्रेडिट। अब क्या होगा? प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए फोर फ्यूचर का पैसा हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना बच्चों, इसी का नाम क्या होता है? प्रॉफिट बच्चों क्या करना? रियलाइज। नहीं समझा? पक्का बेटा? 3 घटना हो रही है। पहले शेयर क्या किया? फोरफिट। फोरफिट शेयर क्या किया? कैंसिल। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियड टू शेयर फोर फ्यूचर। फिर क्या किया? रीशू। 10 का शेयर 10 में, रीशू एड पार। एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फिर शेयर क्या किए? फोर सॉरी प्रॉफिट बच्चों क्या होगा? रियलाइज। एंट्री क्या होगी? शेयर फोर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। जिपरा बेटा वन मोर एग्जाम्पल। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे, हम डील करेंगे नंबर ऑफ शेयर। बेटा एक नहीं सबकी बात बात करेंगे। अज्यूम करो बच्चों एक कंपनी के पास ना 50 शेयर है। कितने बेटा? 50 शेयर से। 10 का शेयर दिया 10 में, इश्यू एड किया, इश्यू एड 10 में से अपने को 8 रुपए मिले, 2 रुपए नहीं मिले। कितने मिले बेटा? 8। कितने नहीं मिले? 2। शेयर फोरफिट किया बेटा। बच्चों पहले क्या किया? फोरफिट। फिर बच्चों क्या करेंगे? रीइश्यू। सारे के सारे 50 शेयर रीइश्यू किए। 10 का शेयर रीइश्यू किया 10 में, रीइश्यू एड किया। एंट्री पास करनी है। कौन बताएगा सबसे पहले बेटा किसकी एंट्री होगी? एकदम आराम से बेटा, जिनको बच्चों देखो बेटा, बहुत बच्चों का मैंने देखा है आपको एंट्री बेटा आते हैं। तकलीफ बच्चों बेटा कहां पे होते हैं? अमाउंट में, एमसीक्यू बेटा। इसके हमेशा बच्चों देखो जिसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले डील करो एक शेयर में। पहले बच्चों अमाउंट लिखो एक शेयर का, फिर मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ शेयर से। ध्यान से बच्चों फोर फीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोर फीचर। पहले अमाउंट एक का लिखो, बच्चों शेयर कैपिटल कितने में? 10। एरे में जो पैसा नहीं मिला, फोर जो पैसा मिला, ये लिखा एक शेयर का। ऐसे कितने शेयर से बेटा? 50। कितना आएगा? 500। फिर 100। फिर 400। सब दिमाग चल रहा है बेटा? रीशू किया, सॉरी पहले क्या किया बेटा? फोरफिट। कितने शेयर? 50। अब क्या करना है? कितने का शेयर कितने में? 10 का शेयर 10 में, रीशू एड किया। एंट्री क्या है? बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कितने में रीशू किया? 10 का शेयर 10 में। कितने शेयर बेटा? 50। स्पीड ठीक है बेटा। कितना बड़ा अमाउंट आएगा? 500। और कितना बच्चा आएगा? 500। आगे बढ़ू, एक बार रीशू हो गया बेटा, अब क्या करेंगे? प्रॉफिट बच्चों क्या करेंगे? रियलाइज। मेरा सवाल क्या पहले बच्चों, प्रॉफिट रियलाइज कब होता है? जब शेयर क्या करेंगे? रीशू। तो कैन आई से दैट जितने शेयर क्या किए? रीशू, उन्हीं का प्रॉफिट क्या होगा? रियलाइज। ओके बेटा, नहीं समझा?
जो शेयर रीशू नहीं किया उनका प्रॉफिट रियलाइज नहीं होगा। ध्यान सुनिए बच्चों, कौन बताएगा प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए पैसा कहां से कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कहां से बच्चों? शेयर फोर फ्यूचर से। किधर एंट्री क्या होगी? शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। पैसा ट्रांसफर कहां से किया? पहले एक का बताओ, फोर फ्यूचर में एक का कितना है? आठ है। वो ट्रांसफर कहां पर होगा? कैपिटल रिजर्व। यार प्रॉफिट किसका रियलाइज होगा? जितने शेयर क्या किए? रीशू। आपने कितने शेयर रीशू किए? 50। तो प्रॉफिट बच्चों रियलाइज कितने का बच्चों? 50 का। यस और नो? बोल कितना अमाउंट आएगा बेटा? 400। सबका दिमाग चल रहा है बेटा? पक्का बेटा? एक का कितना बच्चों? 8 है। जितने शेयर बच्चों क्या किए? रीशू। कभी भी डायरेक्टली बेटा 400 ट्रांसफर मत करना बेटा। एक का अमाउंट नंबर ऑफ शेयर, जितने बच्चों क्या किए? रीशू। उन्हीं के बच्चों प्रॉफिट क्या होगा रियलाइज? और एक सम देखना अच्छे से बड़े समझेगा। प्लीज सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक बड़े कंपनी के पास 200 शेयर थे बेटा, 10 का शेयर दिया था, 10 में इश्यू ऐड किया था पार, 10 में से 6 मिले थे, 4 नहीं मिले। कितने मिले बेटा? 6। कितने मिले? और 200 शेयर फोरफिट किए बेटा। यस और नो? नेक्स्ट बच्चों क्या किया? रीइश्यू। अब बच्चों देखो, फोरफिट के 200 शेयर, बड़ा अज्यूम करो कंपनी ने सिर्फ 140 शेयर रीइश्यू। कितने शेयर इश्यू बच्चों? 140 शेयर। 10 का शेयर रीइश्यू किया 10 में, कितने शेयर इश्यू किए? सारे या 140? तो ये सम किसका बेटा? कंप्लीट रीइश्यू और पार्शियल। फोरफिट किए थे 200 बट रीइश्यू के 140। सम किसका बेटा? पार्शियल रीइश्यू। दिमाग चला बेटा? एकदम आराम से। सबसे पहले किसकी एंट्री? फोरफिचर। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोरफिचर। मैंने पहले बोला, पहले एक का एंट्री लिखेंगे बेटा। बोलो शेयर कैपिटल में एक का कितना? 10। एरे में जो पैसा और फोर जो पैसा मिला है इनटू नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर फोरफिट किए? 140 या 200? यस और नो? वो डेबिट में कितना आएगा? 2000। फिर 4 × 200 = 800, 6 × 200 = 1200। यस और नो? बच्चों पहले बेटा क्या किया? फोरफिट। पहले बच्चों क्या किया? फोरफिट। अब क्या करेंगे? कितने का शेयर कितने में? रिविजन करिए, इधर देख, इधर देख, ठीक है ना? हाँ बच्चों, 10 का शेयर बच्चों क्या किया? 10 में क्या किया? रीइश्यू। बच्चों रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा? शेयर कैपिटल। एक का बेटा अमाउंट कितना आ रहा है? 10। पहले की एक का अमाउंट इनटू नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर रीइश्यू किए? कितने शेयर रीइश्यू किए? 140। कितने बच्चों? 140। ये एंट्री कितने शेयर के बच्चों? 140। यस और नो? एक का बच्चों 10 है क्या? 140 के लिए कितना आएगा? 1400 और 1400। सही ना बेटा? नहीं समझा? सबको झेप रहा है? करे एक बार रीइश्यू क्या बेटा? अब क्या करेंगे? प्रॉफिट बच्चों क्या करेंगे? रियलाइज। प्रॉफिट क्या करेंगे? रियलाइज। कौन बताएगा प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए ट्रांसफर कहां से कहां पे करेंगे? फोर फीचर टू कहां पे? कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से, पैसा ट्रांसफर कहां से किया? फोर फीचर। किधर? पहले एक का अमाउंट कौन बताएगा? फोर फीचर में एक का कितना था? 6। एक का था कितना बेटा? 6। यार प्रॉफिट रियलाइज कितनों का करेंगे? 200 शेयर का, 140 के, 60 का? 140 क्यों? जितने क्या किए? रीइश्यू। जितने क्या किए? रीइश्यू। उन्हीं का प्रॉफिट क्या होगा? रियलाइज। तो एंट्री कितने शेयर के बेटा? 140 शेयर। यस और नो? कितना आएगा बेटा? 840। नहीं समझा बेटा? एक का कितना बेटा? 6। 140 कितना हो गया? 840। ये प्रॉफिट बच्चों क्या हो गया? रियलाइज। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी बेटा, कोई तकलीफ? सबको याद आ रहा है 100%? या अपने पढ़ाई से कभी क्लास में? मैंने पढ़ाया कभी? वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? थैंक यू। कुछ याद आ रहा अपने को? हाँ। अब बच्चों क्वेश्चन बेटा 4, प्लीज सुनेंगे बेटा। पिछले तीनों बेटा क्वेश्चन में रीइश्यू क्या था? एट पार। अब देखेंगे रीइश्यू एट प्रीमियम। पहले प्रीमियम रीइश्यू एट प्रीमियम, आराम से। केस ए, 300 शेयर इश्यू किए थे, 10 का शेयर 11 में, सॉरी 10 का शेयर 10 में लेते बेटा। इश्यू बच्चा ऐड क्या होगा? पार। 10 में से
सात मिले तीन नहीं मिले, 300 शेयर क्या किए, फोर फीड। फिर बाद में 300 में से बेटा 200 शेयर रीशू किए, कितने 200 शेयर, 10 का शेयर रीशू किया 12 में, रीशू ऐड किया, एंट्री पास करें सबसे पहले क्या फोर फीड शेयर, 10 में से कितना मिला है सात, कितना नहीं मिला है तीन, फोर फीड क्या एंट्री क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोर फीचर। पहले एक काम और लिखो, शेयर कैपिटल है फेस वैल्यू, एरे में जो पैसा नहीं मिला है और यहां पर जो पैसा मिला है इनटू कितने शेयर, क्यू उतने फोर फीट के ना बेटा, कितना अमाउंट आएगा रे 10 × 300 3000, 3 × 300 900, फिर 2100 या 109, क्या बच्चों पहले फोर फीट किया अब क्या करेंगे, कितने का शेयर कितने में, 10 का शेयर 12 में, रीशेयर्ड रीशेयर्ड प्रीमियम, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जैसे बच्चे एंट्री पास की थी इश्यू में सेम रीशू रीशेयर्ड क्या है प्रीमियम, एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले एक काम लिखो, शेयर कैपिटल ऐड क्या होता है फेस वैल्यू, कितना प्रीमियम तो बैंक में कितना आया 12, 21 की एंट्री रीइश्यू, कितने शेयर रीइश्यू के कितने तो इनटू 300 करो 200 करो झेपरा बेटा करो 12 × 200 2400, 10 × 200 2000, फिर स्पीड ठीक है बेटा, पहले क्या किया फोरफेट, फिर क्या किया रीइश्यू, अब क्या करेंगे प्रॉफिट बच्चों क्या करेंगे रियलाइज। कौन बताएगा प्रॉफिट रियलाइज करने के लिए पैसा ट्रांसफर कहां से करेंगे, फोर फीचर से, किधर कैपिटल से। पहले एक अमाउंट लिखो, कौन बताएगा फोर फीचर में एक का कितना आता है सात, मेरा सवाल क्या है कैपिटल रिजर्व में 7 रुपए जाएंगे या कम या ज्यादा, ज्यादा क्यों 7 रुपए कम है ज्यादा, रीश्वर्ड प्रीमियम है ना, प्रीमियम में फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, मतलब रीश्वर्ड पार करो या फिर प्रीमियम कुछ फर्क पड़ता है क्या, तो कहने का मतलब क्या है आप रीश्वर्ड पार करने तो प्रीमियम, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, पर फोर फ्यूचर में था कितना सात, वही ट्रांसफर का कैपिटल रिजर्व पार में भी सात प्रीमियम में भी सात, नहीं समझा पैसा ट्रांसफर कहां से किया फोर फ्यूचर, कितने कैपिटल चेंज हो गया सेम हो गया, कितना बेटा सात, पार में भी सात प्रीमियम भी सात, समझ में आ रहा भाई पक्का, उतना अमाउंट कितना बेटा सात इंटू कितने शेयर बेटा 300 ना 200 क्यों, जितने क्या के रीशू, जितने बेटा क्या के रीशू, उन्हीं का प्रॉफिट क्या होगा रियलाइज, एक का सात 200 का, स्पीड ठीक है कह रहे कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ू अब क्वेश्चन 5 लास्ट केस, अब रीशू एड क्या होगा डिस्काउंट, 500 शेयर है 10 का शेयर है 10 में, इशू एड क्या है पार, 10 में से 6 मिले और 4 नहीं मिले, कितने नहीं मिले बेटा 4, शेयर फोरफिट क्या बेटा, बाद में 500 में से आपने 350 शेयर रीइश्यू किए, कितने रीइश्यू किए बेटा 350, 10 का शेयर रीइश्यू किया 9 में, रीइश्यू ऐड किया ठीक है आराम से, पहले किसकी एंट्री, एंट्री क्या होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोर फ्यूचर, कितना शेयर कैपिटल में एरियर में फोर शेयर में 6 इंटू कितने शेयर पक्का 10 × 500 5000, फिर समझा नहीं समझा बेटा कोई क्वेरी बेटा अब ध्यान से बेटा, अभी रीइश्यू किया रीइश्यू एड किया, मैंने पहले बोला बच्चों रीइश्यू इज सेम एज इशू, कौन बताएगा डिस्काउंट पे अगर इशू कर डिस्काउंट पे क्या करेंगे इशू, एंट्री क्या होती बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, शेयर बच्चों कैपिटल कितने बच्चों 10 पे, बैंक में कितना मिला 9, डिस्काउंट 1, ये किसकी एंट्री पास की डिस्काउंट पे क्या ना, डिस्काउंट पे इश्यू किया तो एंट्री होती है बेटा, लेकिन आप डिस्काउंट पे इश्यू किया रीइश्यू किया, रीइश्यू क्या बच्चों एंट्री बच्चों क्या होगी मॉडिफाई, अब बताओ बच्चों डिस्काउंट पे रीइश्यू क्या, डिस्काउंट पे रीइश्यू क्या तो कंपनी का नुकसान हो गया बेटा,
कितना बेटा? एक। रीशेड पार क्या डिस्काउंट पे क्या? कंपनी में एक का क्या हो गया? लॉस। अगर एक का लॉस हो बेटा, लॉस को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट। अब इसे कंपनी डिस्काउंट नहीं बोले, प्लीज सुनना बच्चों। अगर डिस्काउंट पे इश्यू क्या, डिस्काउंट पे क्या क्या इश्यू, उसे क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट पे आपने क्या किया? रीइश्यू किया, अब इसे डिस्काउंट नहीं बोलेंगे। कॉमन सेंस की बात है यार। पहले 10 में से 6 मिले थे, 4 नहीं मिले थे। कितने मिले थे? 6 नहीं, पहले पैसा डूब गया था। पहले पैसा डूबा है, हम पहले घाटे में चल रहे और डिस्काउंट बांट रहे बेटा। अपने खाने के वांदे लोगों को पार्टी दे रहे बेटा। चलता क्या बेटा ऐसा? इसे पार्टी देने का नहीं है, ठीक है बेटा? हाँ ओके ओके बेटा। भावना पोस्टला का ठीक है बेटा। बच्चों कंपनी जो खुद नुकसान में चल रही बेटा, हाँ कि नहीं? और बाद में क्या बात रही है? डिस्काउंट। हम बोलेंगे भाई साहब डिस्काउंट नहीं है, आपका घाटा है, आपका क्या है? लॉस है। ओके बेटा, तो एक रुपए का हम लोग डिस्काउंट बोलेंगे, लॉस बोलेंगे। तो कंपनी क्या करेगी? लॉस को ऐसे छोड़ेगी? हम कंपनी भाई साहब टेंशन क्यों ले रहे ना, एक का लॉस हुआ टेंशन मत लो, एक का लॉस क्या करो? एडजस्ट। आपके पास इतना सारा प्रॉफिट पड़ा था, उस प्रॉफिट से लॉस क्या करो? एडजस्ट। हमने क्या बोला? एक रुपए को क्या मानो? डिस्काउंट और लॉस। लॉस को क्या करो? एडजस्ट। किससे? प्रॉफिट। किधर है प्रॉफिट? शेयर फॉर फ्यूचर। कहा बेटा? शेयर फॉर फ्यूचर, उससे क्या करेंगे? एडजस्ट। यस और नो? तो डिस्काउंट पे बच्चों रीइश्यू किया, तो डिस्काउंट बोलना है फॉर फ्यूचर। फॉर फ्यूचर क्यों बेटा? लॉस को क्या किया? एडजस्ट। किसमें से बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट है कहां पे? फॉर फ्यूचर। चलो कौन बताएगा? अगर डिस्काउंट पे अगर इश्यू क्या, डिस्काउंट पे इश्यू एंट्री क्या? बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और डिस्काउंट पे अगर रीइश्यू क्या, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बोले एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यस और नो? जिप्रा बेटा पक्का? क्या बेटा सभी से कंफर्टेबल है? इनटू कितने शेयर? कितने बेटा? 300। ये किसकी एंट्री बेटा? रीच 350 है क्या? गुड, आपको ध्यान देकर चेक करा था मैं। कीप इट अप। जितने शेयर बच्चों क्या किए? रीइश्यू। कितने बेटा? 350। 9 × 350 कितना बेटा आएगा बताइए? 3150। और यहां पे 350 फिर जिपता बेटा। बच्चों पहले बेटा क्या किया? फोरफिट। फिर क्या किया? रीइश्यू। अब क्या करेंगे बच्चों? प्रॉफिट बच्चों क्या होगा? रियलाइज। अब यहां पे थोड़ा सा बच्चों फंसेंगे। कहां से ट्रांसफर करेंगे? फोर फ्यूचर। किधर? जिनको नहीं पता बेटा, हमेशा बच्चों प्रॉफिट के लिए बनाएंगे वर्किंग नोट। जब भी समझो डिस्काउंट का प्रॉफिट के लिए वर्किंग नोट, प्लीज सुनेंगे बेटा। प्रॉफिट रियलाइज करना है, कौन बताएगा? पैसा ट्रांसफर कहां से होता है? फोर फ्यूचर से। किधर? पहले एक के लिए करेंगे। कौन बताएगा फोर फ्यूचर में एक का कितना है? 6। कैन आई ट्रांसफर एंटायर 6 रुपए टू कैपिटल रिजर्व? क्यों नहीं बेटा? आपने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया बेटा, तो डिस्काउंट कौन है आपका? लॉस। उस लॉस से प्रॉफिट क्या होगा? लेस। तो आप कैपिटल रिजर्व में पूरा का पूरा 6 रुपए ट्रांसफर करेंगे या लॉस माइनस करने के बाद? कितना लॉस हुआ बेटा? एक का। एक का लॉस क्या करेंगे? लेस। कितना बचा है? 5। ये ट्रांसफर कहां पे? कैपिटल रिजर्व। नहीं समझा? इन शॉर्ट बेटा, अगर रीइश्यू करोगे एट पार या रीशेड करोगे प्रीमियम, वही के वही ट्रांसफर होगा बेटा। पर रीशेड क्या होता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट में वही पैसा ट्रांसफर मॉडिफाई होगा बेटा। बोलो फॉर्मूला क्या? फोर फीचर से लेस क्या करेंगे? डिस्काउंट। जो बच्चे को कहां पे? कैपिटल रिजर्व। समझा क्या? फोर फीचर में एक का था कितना? 6। 6 के प्रॉफिट से क्या लेस किया? डिस्काउंट। लॉस कितना बचा है? 5। ये ट्रांसफर कैपिटल। ये एक का बेटा, ऐसे कितनों का ट्रांसफर होगा? 350 क्यों? जितने क्या के रीइश्यू स्पीड ठीक है क्या? कितना आएगा? 1। दैट्स इट। सबको बड़ा आ रहा है कॉन्फिडेंस? इट इज ऑल अबाउट ऑल द केस ऑफ रीइश्यू। सब बेटा बच्चों, क्या बेटा कुछ सब खुद से कर पाएंगे इसके ऊपर? चलो फास्ट बेटा। हाँ ऐसे कभी नहीं होता बेटा।
और बेटा होता ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, सुनो मैक्सिमम बेटा अमाउंट डिस्काउंट ऑफर कितना होता है बताया क्या, जितना बेटा आपने देखो सिंपल सी बात है बेटा, जितना बेटा फोर जितना पैसा आया आपने फोर में कितना, अगर अज्यूम करो 10 का शेयर दिया आपने 6 में, सो 10 का शेयर 10 में दिया, जैसे अभी इस एग्जांपल पर बात करूंगा, 10 का शेयर आपने 10 में दिया, मिला कितना था 6, कितना नहीं मिला 4, 6 का बेटा प्रॉफिट होता बेटा, तो अगली बार अगर डिस्काउंट पर इश्यू करना बेटा तो मैक्सिमम आप 6 रुपए तक डिस्काउंट दे सकते हो, जितना बेटा प्रॉफिट मिला है मैक्सिमम उतना डिस्काउंट दे सकते हो, समझा बेटा आपको? ओके बताओ बेटा, वो भी समझ बताता हूं लेता दोनों डिस्काउंट पे तो बताता हूं। चलो बच्चों ये बेटा सब आपको ट्राई करना है, चले फास्ट फास्ट क्वेश्चन ये 6, 7, 8 कर पाएंगे, करो ट्राई।
से आ रहा बेटा? 2006 कितनों का आ रहा है? बढ़िया, किसका नहीं आ रहा? 6 नहीं आ रहा है। देख 606 में मुझे क्या बोला है, 500 शेयर है ऑफ रुपीज 20 इशूड एट क्या बोला, 5% डिस्काउंट, तब 20 का शेयर इशू डिस्काउंट पे किया 5% डिस्काउंट है बेटा, 20 का 5% कितना बेटा हो गया 1 रुपए, तो 20 का शेयर 19 में देना बेटा 5% डिस्काउंट काटने के बाद, और शेयर फोरफिट किया क्यू फॉर नॉन पेमेंट ऑफ क्या है, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, 19 बेटा मिलने वाला था उसमें से अलॉटमेंट कितना बेटा 9 और फाइनल कॉल 5 नहीं मिला, कितना मिलने वाला था 19, 9 और प्लस 9 प्लस 5 14 नहीं मिला, तो कितना मिला, सब 19 चले बेटा, 9 प्लस 5 14 प्लस कितना बेटा 19 5, तो 5 कौन है बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, तो क्या मिला एप्लीकेशन, झेपरा बेटा। और क्या बोला है, अमाउंट क्रेडिटेड टू द फोरफीचर, पर एंट्री क्या थी फोरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल सीन एरियर टू शेयर फोरफीचर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, छोटी के बेटा पर फोरफीचर में कौन आएगा, जो पैसा मिला है नहीं मिला, फोरफीचर में पैसा मिला, आपको पूछा क्या है अमाउंट क्रेडिटेड फोरफीचर का, जो पैसा मिला है, एक का कितना मिला बेटा 5, कितने शेयर है 500, कितना हो गया 2500, खत्म, समझा बेटा, कोई मुश्किल है क्या रे? क्वेश्चन 7 किया क्या, 7 का क्या रहा 100, सबका सेम आ रहा है क्या, ओके 7 किसका नहीं आ रहा है, सबका आ रहा है 7, गुड, उसके 8 का 600 सबका आ रहा है क्या, किसका 8 नहीं आ रहा है, चलो सबका आ रहा है बच्चे 8, चलो बहुत बढ़िया बेटा, फिर इसके बाकी विषय में कल करो चलेगा बेटा, अब ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, अब बीएमसी लेक्चर है ना।